करता हूं और संघ के अलावा और कोई दायित्व मेरे को अभी तक नहीं मिला। यहां पर डिस्कशन चल रहा है, चर्चा चल रही है और जिया के माध्यम से मोदी जी भी लोग बैठे हैं और देश एक चुनाव के माहौल में है। हमारा कर्तव्य क्या है, यह मुख्य मुद्दा है। हमारा देश जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था तो जो उस लड़ाई को नेतृत्व कर रहे थे उनके मन में क्या था और वे लोग कौन थे, उनका आचरण कैसा था, उनके मन में विचार क्या था, देश के बारे में कल्पना कैसी थी। आजादी के बाद संविधान बनाते समय उनके मन के भाव क्या थे, किस उद्देश्य के साथ फिर संविधान बना और धीरे धीरे हम कहां आ गए, यह मूल प्रश्न है। और इसलिए एक एक नजर हम डालते अगर निकलेंगे देखेंगे तो देश की जो आजादी की लड़ाई उसका नेतृत्व करने वाले लोगों के मन में एक देश की कल्पना थी। वे चाहे महर्षि अरविंद थे या गांधी जी थे, लोकमान्य तिलक थे अथवा मालवीय थे, विपिन चंद्र पाल थे और लाजपत राय थे, राजगोपालाचारी थे अथवा सावरकर जी थे, गोपीनाथ बरदलोई भी थे। अर्थात देश के किसी भी हिस्से में उस समय जो देश की आजादी का नेतृत्व कर रहे थे उनके मन में एक राष्ट्र की कल्पना थी। कारवां आते गए और हिंदुस्तान बसता गया, ये किसी के मन में नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण बात है। बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा है तो वो तुम ही दुर्गा दश प्रेरण धारणी कमला कमल दल विहार में नमामि त्वाम, ये भारत पता क्या है, अपना भारत राष्ट्र क्या है, भारत की परंपरा क्या है, भारत की आत्मा क्या है, भारत स्वतंत्रता क्यों चाह रहा है और स्वतंत्र होने के बाद इसके कंधों के ऊपर कोई डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया के लिए है क्या। हमको आजादी चाहिए क्योंकि अपना शासन चाहिए, एक छोटा मुद्दा है, ये सच है, होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर एक देश आजाद होना चाहता है, ये सच बात है, हम भी आजाद होना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने संविधान सभा में जो अंतिम भाषण दिया है उसमें उन्होंने बोला है, बोलते बोलते राजेंद्र बाबू ने कहा है हम देश में अपना संविधान ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर एक वैश्विक जिम्मेदारी भी है। भारत का यह दर्शन, भारत का विचार, ये दुनिया भर को शांत करे, दुनिया में जो गुस्सा है, दुनिया में जो क्रोध है, दुनिया में जो इंपीरियलिज्म है, दुनिया के और देशों को गुलाम बनाने की लोगों की जो भावना है, शोषण है, गरीबी है, अवसाद है, इस सब से ये सारी दुनिया बाहर आवे, हम एक दिशा देंगे, हमारे पास एक दृष्टि है। राजेंद्र बाबू का भाषण है पर संविधान सभा के अंदर अंतिम, तो एक दृष्टि थी इस देश के बारे में, ये देश क्या है, क्यों आजादी चाह रहा है, इसको बुद्धिजीवी वर्गों को जानना चाहिए। क्रमांक दो, उन लोगों के जीवन में एक आचरण भी था, एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिख देना एक बात है, अपने जीवन में उस ग्रंथ के आदर्शों को जीना ये भिन्न बात है। मित्रों, उन लोगों ने अपने जीवन में उन आदर्शों को जिया था, वे राजनीति में थे, राजनीति से कुछ लेने के लिए नहीं आए थे। राजेंद्र बाबू बहुत अच्छे वकील थे, बड़ी अच्छी कोठी के मालिक थे, बहुत अच्छी रोरिंग प्रैक्टिस करते थे, सब छोड़ करके राजनीति में आए, दो बार इस देश के राष्ट्रपति अकेले वे ही व्यक्ति बने
और जब वे वापस पटना अपने प्रांत को अपने गृह क्षेत्र को गए इस राष्ट्रपति भवन को छोड़कर मित्रों उनके पास रहने के लिए एक कमरा भी नहीं था। उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री को लिखा भाई मेरे रहने की कोई व्यवस्था करो, सदाकत आश्रम में मेरे लिए दो कमरे बुक करा दो, मैं अब वहीं रहूंगा। वे सदाकत आश्रम पटना में दो कमरे में आकर के पूरा परिवार रहता था और उस कमरे की छत बरसात में टपकती थी। ये जीवन की स्वच्छता है। वल्लभ भाई जब मरे, उनकी मृत्यु हुई, उनके सारे कमरे खोले गए, सारा सामान देखा गया, तो वल्लभ भाई पटेल भी बड़े बैरिस्टर थे। दोनों भाई विदेश में पढ़ करके आए थे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस छोड़ करके राजनीति में आए थे। और जब मृत्यु के बाद उनके एक सामान को देखा तो कुछ कुर्ते कुछ धोतियां पुराने थे जो उनके हाथ से कटे हुए सूत से बने थे, कुछ नहीं था पास में। तो जो लोग नेतृत्व कर रहे थे उनके जीवन में एक बड़ी दृष्टि थी और एक जीवन में आचरण था, जीवन की शुचिता थी, पवित्रता थी। स्वयं जवाहरलाल जी भी एक दिन चुनाव प्रचार में गए थे मिर्जापुर, और मिर्जापुर से लौटते समय भी शास्त्री जी और चार पांच लोग और हैं उनको कहते हैं अरे भाई देखो भाई मिर्जापुर के लोग जो है वो ऐसे ही हैं कुछ। शास्त्री का क्या बात हो गई? तो जवाहरलाल जी कहते हैं कि देखो हमको बड़ी भूख लग रही थी, हमने कहा चले, उन्होंने कहा जाइए। अब चाय पीने की इच्छा कर रही है, क्या करें, भूख भी लग रही है, रात का 8:30 बज रहा था, तो चलिए भाई स्टेशन के पास जाके चाय पी लेंगे, कुछ खा लेंगे। शास्त्री जी, जवाहरलाल जी, तीन चार और लोग मिलकर के एक ढाबे पर आकर के स्टेशन के पास इलाहाबाद पर रुक गए, चाय पी, कुछ छोटा मोटा कुछ खाया, 2.5 रुपए का बिल बन गया। चाय वाला उनसे पैसे नहीं लेना चाहता था, सब जानता था ये कौन लोग हैं, फिर भी पूछा तो उसने कहा 2.5 रुपया बना। सबने अपना अपना जेब टटोला, तब सब मिला करके कुछ आने शास्त्री जी के जेब में थे, 1 रुपया 1.25 रुपया जवाहरलाल जी के जेब में था, एक महिला थी कुछ चक्रवर्ती, उन्होंने कुछ पैसा दिया, मिला करके जैसे तैसे 2.5 रुपया बना। शास्त्री जी ने एक भाषण में इसका उल्लेख किया और कहा यदि उस दिन 2.5 रुपया नहीं बनता, नहीं इकट्ठा हो पाता, तो कितनी हमारी बेइज्जती होती वहां। मित्र, इस बात को समझने की जरूरत है, देश कहां से चला, कहां पहुंच गया। डॉक्टर संपूर्णानंद एक अच्छे प्राध्यापक थे, बड़े विद्वान थे, लेखक थे, और वे मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, बाद में राज्यपाल हो गए। राज्यपाल का उनका कार्यकाल समाप्त होने को था, तब राजशेखर व्यास नाम के एक पत्रकार हैं, लेखक थे, उनको वार्ता करते कहते हैं भाई व्यास जी हम क्या बताएं, हम बड़ी चिंता में हैं। व्यास जी ने कहा क्यों आप क्यों चिंता में, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमारा राज्यपाल का कार्यकाल कुछ महीने बाद समाप्त हो जाएगा, हम कहाँ रहेंगे, हमारे पास मकान नहीं है, हम काशी में, हम तो कोई संपत्ति रखते नहीं, अब यहां से तो अवकाश मिल जाएगा तो कहाँ जाएंगे। ये राजशेखर व्यास जी ने लिखा है अपने संस्मरणों में, वो प्राध्यापक थे, वे वाइस चांसलर भी रहे, वे मुख्यमंत्री रहे, वे राज्यपाल रहे, रहने को मकान नहीं। अटल जी भी कई महीने तक बिना चप्पल के घूमते रहे, क्योंकि पैसा नहीं था चप्पल पहनने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ऐसे संस्मरण हम सुन सकते हैं, वो राजनीति, वो दृष्टि, वो कहां चली गई और किसकी जिम्मेदारी है उसको ठीक करना, एक बड़ा भारी प्रश्न हमारे आंखों के सामने खड़ा है। जब संविधान बन रहा था तो अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी क्या कहते हैं, अंबेडकर जी कहते हैं हम लोगों ने बहुत विचार करके एक अच्छा सुंदर संविधान लोगों के हाथ में दिया है, लेकिन ये ध्यान में रखिए इसको चलाने वाले लोग कैसे हैं इसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर चलाने वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो ठीक नहीं चलेगा देश। अगर खराब संविधान भी, बहुत कमियों वाला संविधान भी अच्छे लोगों के हाथ में आ जाता है तो उसको अच्छे से चलाते हो, अच्छा संविधान भी खराब लोगों के हाथ में आ जाता है तो देश गलत दिशा में चला जाता है। ये उनका अंतिम भाषण है। हम कहां गलत हो गए,
गलती कहां हुई, ये मुख्य प्रश्न है। और जब कभी कोई भी देश भटकता है तो उसको ठीक रास्ते पर लाने का काम उस बुद्धिजीवी वर्ग का होता है जो थोड़ा क्षमतावान है, थोड़ा विचारवान है। दुर्भाग्य यही हुआ, देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने ये सोच लिया ये सरकार का काम है, सरकार करेगी। और सरकार में धीरे 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 ग्रेजुअली डिग्रेडेशन हुआ, जो अवमूल्यन हुआ, क्षरण हुआ, उस देश कहीं का कहीं चला गया। और इसलिए हम चुनाव की पूर्व संध्या पर हम बैठे हैं तो क्या हम समझते हैं कि देश उन लोगों के हाथ में गया जैसा वो विचार कर रहे थे? स्वतंत्रता के आंदोलन को जो लोग नेतृत्व कर रहे थे उन लोगों के मन में जो था वही भाव लेकर के देश में लोग सत्ता में आए क्या? और सत्ता में आने के बाद उसी भाव उसी दिशा को लेकर के चले क्या? वो शुचिता, वो प्रामाणिकता, वो दृष्टि, वो दर्शन, वो समझदारी वो रही क्या, बची क्या? नहीं तो क्यों, और क्यों तो जिम्मेदार कौन, और कौन तो समाधान क्या, ये प्रश्न है। और ये जिया के हमारे बहनों ने मिलकर के ये कार्यक्रम रखा तो मेरे को लगा मैं क्या आपके सामने बोलूं, बड़ा प्रश्न है। तो आजादी को लंबा समय बीत गया है और देश एक लंबे समय से एक भटकी हुई दिशा में आगे बढ़ भी गया है। सामान्य जन भोला होता है, सामान्य जन क्षमतावान भी नहीं समझता अपने आप को, लेकिन बुद्ध जी भी जो है जो क्षमतावान है, जो थोड़ा समझदार है, वे हिम्मत नहीं हारते, वे देश को समाज को ठीक दिशा देने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं और धैर्य से फिर एक नई साधना करते हैं और भटके हुए देश को फिर ठीक दिशा में लाने की कोशिश करते हैं। वो कर्तव्य, वो दायित्व तो आज हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग का, जो प्राध्यापक है सामान्य जन की तुलना में थोड़े अधिक समझदार है। धीरे धीरे देश के नेताओं ने ऐसा समझा और ऐसा प्रयास किया कि देश में राजनीति करना बहुत सरल है, थोड़ा देर को कुछ लोगों को बहका दो, उनका वोट प्राप्त करो, फिर आनंद से 5 साल रहो, फिर थोड़ा कुछ लुभावनी बातें कहो, फिर 5 साल। इस देश में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, अभूतपूर्व परिवर्तन संविधान ने दिया था। दुनिया में किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी इसने देश ने दिखाई। देश बहुत सारी विविधताओं से जूझ रहा था, संविधान जो बड़ा बना है वो इन विविधताओं को एक रखने के लिए भी बना है। जिस समय देश में संविधान बन रहा था उन दिनों देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा था। उनको कहीं प्रतिनिधित्व नहीं था, न मार्केट में उनको दुकान थी, न गांव में उनको जमीन थी, न व्यापार में कोई हिस्सेदारी उनकी थी, न नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी कोई महत्वपूर्ण थी, एक बड़ा वर्ग था। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस देश के प्रत्येक 21 वर्ष के नागरिक को मताधिकार दिया। ये दुनिया में कोई नहीं दिया था, अमेरिका में, चाहे यूके में, चाहे यूएसएसआर में, चाहे जर्मनी में, चाहे फ्रांस में, चाहे स्विट्जरलैंड में, चाहे कनाडा में, जहां जहां लोकतंत्र जिस भी रूप में आया वहां पर सबको मताधिकार एक दिन मिल गया, ऐसा कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, अपने देश में हुआ। और सबसे दूर बेचारा चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठा था या कहीं पेड़ के नीचे भी चुपचाप पड़ा हुआ था, वहीं जीवन काट रहा था, फुटपाथ पर भी था, उसको मताधिकार था, उसके मत की कीमत राष्ट्रपति के मत के बराबर थी, उसके मत की कीमत बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट के मत के बराबर थी, उसके मत की कीमत एक वाइस चांसलर के मत के बराबर थी। इसका अर्थ है इस देश में सामान्य मतदाता का मत, अत्यंत गरीब, निरक्षर, उपेक्षित, वंचित व्यक्ति का मत वो बराबर मूल्य का था, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रपति हो, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से वाइस चांसलर हो, आर्थिक दृष्टि से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो,
अर्थ, राजनीतिक क्षमता अथवा विद्वत्ता, वो तीनों इसको राजनीतिक दृष्टि से इसके मत को प्राप्त थी। बड़ा काम था और धीरे धीरे इसमें सामाजिक परिवर्तन देश में आया। उस व्यक्ति ने अपने देश को देश की मूल धारा में पाया और देश में कोई न कोई दृष्टि से कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा जो क्लास स्ट्रगल था उससे देश बच करके सावधानी से आगे निकल आया। ये तो ठीक हुआ, लेकिन नेताओं ने बार बार यही कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता हम, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता हम करेंगे। और सब देश को ये लगने लगा कि सारे देश का उद्धार ये राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल, सत्ता के लोग करेंगे। वो जो मैंने कुछ उदाहरण बताए आपको देश के नेतृत्व करने वाले लोगों के जीवन के, वो इस देश में सामान्य उदाहरण थे, अति सामान्य उदाहरण थे, सबके जीवन में ऐसे उदाहरण थे। लेकिन अब इनको कहने में भी अपने को संकोच होता है क्योंकि इनको सुनने को भी तैयार नहीं होगा। इसको कल्पना लोग बताते हैं, वो प्रैक्टिकल राजनीति में आने की कोशिश करते हैं, इन्हें ये इम्प्रैक्टिकल राजनीति है। इम्प्रैक्टिकल में कौन ले गया, कौन ले गया, वहां तक पहुंचे कैसे आप, वहां से लौट करके कैसे आओगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस देश का बड़ा मतदाता जो है वो विचारवान नहीं रहा, उसकी बुद्धि विश्लेषणात्मक नहीं रही, उसने सारी जिम्मेदारी सौंप दी ऊपर, भोलेपन में सब सौंप दिया। आप भाई सड़क बनाइए, आप भाई ट्यूबवेल लगाइए, हमारे खेत को पानी दीजिए, हमारे बच्चों को पढ़ाइए, सब आप ही को करना है, कुछ भी काम सरकार करेगी, सरकार करेगी। अपने भोलेपन में विश्वासी स्वभाव के कारण से वो बेचारा शांत बैठा रहा, वो शांत ही बैठा है। उसके हाथ में अब कोई क्षमता ही नहीं बची, उसको लगता है कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ निकल गया, सबको देख लिया, कुछ होता ही नहीं। और इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग जो है, थोड़े समझदार लोग हैं, वे क्या उस वर्ग को अच्छे से समझा सकते हैं, अपने मतदान का प्रयोग करने के पूर्व 100 बार सोचो किसको दे रहे हो, विचार करो, विश्लेषण करो। जिन पर तुमको भरोसा लगता है उनको देकर के आगे बढ़ाओ, नहीं करते तो जवाब पूछो, प्रश्न पूछो, जवाब दो। क्या सामान्य जन को इतना शक्ति संपन्न हम बना सकते हैं, सामान्य जन को इतना जागरूक कर सकते हैं, लोक मत जो है इसको सकते हैं, उसको अधिक थोड़ा सा जानकार बना सकते हैं, अधिक प्रश्न पूछने वाला बना सकते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है। ये बात सच है, आजादी मिली तो इस देश में लिटरेसी का रेट 15% था केवल, 85% व्यक्ति अपना हस्ताक्षर भी कर नहीं सकता था, ऐसी स्थिति थी देश की। इस स्थिति में ला करके छोड़ करके अंग्रेज यहां से गया था, ये सच बात है। लिटरेसी बढ़ी है, आर्थिक संपन्नता भी बढ़ी है, गांव सड़क से जुड़ा है, गांव गांव में बिजली भी गई है, लेकिन क्या सामान्य मतदाता अधिक बुद्धिमान बना है क्या? अगर जागरूक हुआ है तो अधिक स्वार्थ के लिए जागरूक हो गया, उसमें गलत नहीं है, उसकी भी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन बड़ी मात्रा में मतदाता ऐसा जागरूक हो गया, वो देखने लगा कौन सा नेता उसको क्या देता है, उसको उसको लेकर वोट देता है, तो कोई मंगलसूत्र बांटता है, कोई प्रेशर कुकर बांटता है, कोई भोजन बांटता है, कोई लिफाफे में रख करके पैसा देता है, कोई शराब देता है, कोई अपनी जाति की आवाज लगाता है, कोई अपने क्षेत्र की आवाज लगाता है, और भोला मतदाता बहक जाता है, भटक जाता है, और देश फिर और गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। एक प्रदेश के अध्यक्ष को मैं पूछ रहा था कि तुम्हारे यहां ये जो मुख्यमंत्री है कैसे जीतता है, तो प्रदेश अध्यक्ष ने मुझको बताया, हमारे यहाँ एक काम करने वाली महिला है, प्रदेश अध्यक्ष अच्छे डॉक्टर है, महिला है, अच्छी डॉक्टर है, नर्सिंग होम चलाती है,
उन्होंने कहा मेरे घर में काम करने वाली महिला है। मैंने उसको पूछा तुम किस पार्टी को वोट दोगे, तो उन्होंने बताया एक पार्टी की ओर से 2,000 रुपए आया है हमारे घर के 3 वोटर्स के लिए, एक पार्टी की तरफ से 1,000 रुपया आया है लिफाफे में रख करके दोनों दलों ने भेजा है, हमारे घर में 9,000 रुपया आ गया है। अरे तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, 9,000 रुपया आ गया दो दलों, तुम वोट किसको दोगे? अरे मैडम इसमें क्या दिक्कत है, हमारे घर के 3 वोट है, 2 वोट हम देंगे उनको जिनको 6,000 रुपया आया है, 1 वोट देंगे उसको 3,000 रुपया। कितना भोलापन है, सामान्य मतदाता कितना निरी है, कितना भोला है, कितना सज्जन है और कितना ईमानदार है, कितना प्रामाणिक है। वो धोखा नहीं दिया, वो 6,000 रुपया दिए उनको 2 मत दिया, ये 3,000 रुपया जिनको 1 मत दिया, ये देश कहां जाएगा फिर, क्या मिलेगा इस देश को आगे? और जो नेता इतना बांटेगा वो कहां से लाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। और इसलिए 14 के बाद यदि ऐसा लगता है कुछ ठीक दिशा में परिवर्तन होने के लिए देश बढ़ा है, कुछ लगता है देश का वो तत्व जो स्वतंत्रता के नेतृत्व करने वाले लोगों के मन में था उस तत्व की ओर धीरे धीरे फिर से सरक करके आने की कोशिश होती है, तो हम विचार करें एक बार सारे देश का संघ कैसा था। आजादी के इतने लंबे वर्षों के बाद भी जो तथाकथित बड़े देश दुनिया में हैं, वो भारत को कैसा देखते थे। भारत आएगा कुछ मांगेगा, पहले हम चावल मांगते थे, कोई गेहूं मांगते थे, किसी चीनी मांगते थे, सड़क बनाने के लिए पैसा मांगते थे, डैम बनाने के लिए धन मांगते थे, इंडस्ट्री खोलने के लिए इंजीनियर मंगाते थे, पहले ऐसा देश था। अब ऐसा देश हो गया, अभी भी कोई ना कोई सामान मांगने के लिए जाते, कोई सहायता कोई दे दे इसी के लिए जाते। और इसलिए देश का सम्मान उतना नहीं था जितना 130 करोड़ के देश का होना चाहिए। मित्रों 2014 के बाद दुनिया का परिदृश्य बदल गया, दुनिया का बड़े से बड़ा देश भारत को एक अलग दृष्टि से देखने लग गया। 130 करोड़ का देश है, 130 करोड़ मनुष्यों का एक ऐसा देश है जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम तो उसी में लगे हुए थे कैसे पेट भर जाए लोगों का, कैसे सड़क बन जाए, उतना नहीं हो गया, वो दूर चला गया, आगे बढ़ो। और दुनिया के लोग देखते हैं भारत के वैज्ञानिक कैसे हैं, भारत के इंजीनियर्स कैसे हैं, भारत की सेना कैसी है, आप कैसा देता है, और भारत की क्षमता का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया। और इसलिए दुनिया के देशों ने भारत को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू किया, एक भारत का सम्मान सारे देश में सारी दुनिया में फैल गया। एक मुद्दा यह है, क्रमांक 2, हमको लगता है कि सारे दुनिया में हम हिंदू के नाते से 110 करोड़ है, ये दृष्टि बदलनी होगी, हम 110 करोड़ नहीं है, हम 250 करोड़ है। आज से 1,000 वर्ष पूर्व, कोई 1,500 वर्ष पूर्व, 2,000 वर्ष पूर्व, ईसा से 200 250 300 वर्ष पूर्व भारत के लोग भारत के इस दर्शन को लेकर के दुनिया में चले गए थे। आधा यूरोप भारत के बौद्ध दर्शन को मानता था, पूरा अफगानिस्तान सीरिया इराक तक भारत का बौद्ध मत बौद्ध दर्शन था, उधर तो समाप्त हो गया लेकिन पूरब में बचा है, तो कोरिया जापान मंगोलिया चाइना तिब्बत भूटान वियतनाम म्यांमार लंका इंडोनेशिया का कुछ हिस्सा लाओस कंबोडिया बड़ा इसराइल बौद्ध मत को मानता है, भारत को अपना बड़ा भाई मानता है, वो मानता है हमारे पास जो बौद्ध मत है वो भारत ने हमको दिया है। दलाई लामा कहते हैं भारत हमारा बड़ा भाई है, भारत एक बड़ा विशाल वटवृक्ष है जिसकी छोटी सी शाखा हम बौद्ध लोग हैं, हम भूल गए। 2014 के बाद नए प्रयास शुरू हुए और ये 40 देश और इनकी 150 करोड़ की जनसंख्या जो बौद्ध मत को मानने वाली है वो भारत के साथ धीरे धीरे आत्मीयता से जुड़ने लगे। वे आते हैं, वो रिसर्च के लिए आने लगे, वो टूरिज्म के लिए आने लगे,
वे आध्यात्मिक साधना के लिए आने लगे, विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए आने लगे। 150 करोड़ और 110 करोड़ मित्रों, 260 करोड़ का भारतीय दर्शन को मानने वाला समाज अगर विश्व परिदृश्य में खड़ा हो जाता है तो दुनिया में कोई हमारे सामने टिक नहीं सकेगा। हम दार्शनिक दृष्टि से एक होंगे और वो दर्शन होगा जो विश्व को शांति देना चाहता है, वो दर्शन होगा जो विश्व से दुख मिटा देना चाहता है। ये प्रयास 2014 के बाद कुछ अच्छा हुआ है, आनंद देने वाला है। ये छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है। मोनिका जी ने जैसा कहा, योग का दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनने लगा, 200 देशों में दसियों हजार स्थान पर लोग योग करने लगे। योग का मतलब आसन नहीं होता, आसन एक छोटा हिस्सा है। योग का मतलब होता है अपने को इस सृष्टि से जोड़ना, अपने को सबके साथ एकात्म सोचना, एकात्म देखना। हम और आप दो नहीं है, हम और आप एक ही है। तो ईश्वरत्व जो ब्रह्म मेरे अंदर है, साधना से व्यक्ति धीरे धीरे उसको आपके अंदर देखता है। आप और हम एक है, हम और आप संपूर्ण विश्व एक है, संपूर्ण ब्रह्मांड एक है, जीव जगत एक है, प्रकृति और सृष्टि एक आत्म है। यह हिंदू दर्शन, हिंदू अध्यात्म है, धीरे धीरे योग के माध्यम से सर्व दूर जा रहा है। लोग एकांत में बैठते हैं, चर्च में भी बैठते हैं, वे लौकिक दृष्टि से हिंदू नहीं है, नाम से हिंदू नहीं है, अपने अपने कक्ष में बैठते हैं, दुनिया के किसी भी मत को मानने वाले हैं, लेकिन आसन करते, योग करते, ध्यान करते, धारणा करते, प्राणायाम करते हैं, और जैसा बताता है जो इंस्ट्रक्टर होता है उन मंत्रों को बोलते हैं। और जब ये बोलते हैं, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, क्या लगता है ये बोलते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो अपने मूल विचार से हट गए। उनका मूल विचार क्या था? हम ही सुखी रहेंगे, हम ही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी के लोग हेल में जाएंगे, दोजख में जाएंगे। नहीं नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, भारत का दर्शन बोलते हैं। कैसा लगता है, कैसे धीरे से गया है, और कैसे दुनिया के सैकड़ों करोड़ लोग इस योग के माध्यम से हिंसा, क्रूरता, असहिष्णुता, प्रतिस्पर्धा इसको छोड़कर प्रेम, दया, ममता, श्रद्धा, भक्ति इस ओर बढ़ रहे, शांति की ओर बढ़ रहे। कौन सी औषधि है? इस भारत का प्राण तत्व अध्यात्म है, जो धीरे से दुनिया में चला गया। ये बड़ा परिवर्तन है। भारत की सुरक्षा की सीमाएं, सुरक्षा का क्षेत्र मजबूत हो गया। वो उधर उदाहरण आप देख रहे हैं। अब छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जो शायद आप में से कम लोगों को मालूम होगा। 2014 के पहले 28 लाख गाय बांग्लादेश को तस्करी होकर के जाती थी, वो संख्या करके 3 लाख पर रह गई। बांग्लादेश बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया था, वो नीचे आ गया। क्या भारत की गाय दूसरे देशों को तस्करी के लिए बनी है क्या? उस पैसे से कौन कौन लोग पनपते थे और फलते फूलते थे हमको मालूम है। ये पैसा उग्रवादियों के हाथ में जाता था, देश को तोड़ने वाले लोगों के हाथ में जाता था। वो रुक गया, बांग्लादेश की फेंसिंग लगभग पूरी हो गई, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद धीरे धीरे नीचे आ गया। आपको नहीं लगता अब आसाम में उल्फा नहीं है? आपको नहीं लगता त्रिपुरा में NLFT अब नहीं है? है अभी तो चुपचाप कहीं कोने में बैठ गए हैं। आप रात को 12 बजे किसी भी कार से पूरे नॉर्थ ईस्ट में अब यात्रा कर सकते हैं। दिन में संभव नहीं होता था। दिन में मिलिट्री की गाड़ियां आगे पीछे बीच में लग करके कॉन्वॉय लेकर के आपको अगरतला लेकर के जाते थे, दिन में एक बार केवल। रात्रि को रात 12 बजे आप अगरतला से आप आइए कार में, चलते गुवाहाटी तक। ये उग्रवाद को शांत किसने किया, क्यों हुआ? ये प्रेम से भी हुआ, ताकत से भी हुआ। सारे नॉर्थ ईस्ट को लगता है हम देश के सम्मानजनक हिस्से हैं। ब्रह्मपुत्र एक साथ 3 पुल बन गए, 3 और बन रहे हैं। कई लाख करोड़ रुपया वहां खर्चे के लिए दिया है, सच बात है, दिया है। उन लोगों को लगता है देश अपना है, देश हमारा है। अब 15 अगस्त अच्छे से मनाते हैं। 30-35 साल से नॉर्थ ईस्ट के 90% विद्यालय में 15 अगस्त नहीं मनता था।
क्यों? उग्रवादियों का आदेश था। एक तो जगह मना भी तो बम फोड़ दिया, 12-12 बच्चे एक साथ मर गए लखीमपुर में, धेमाजी में, ऐसी घटनाएं हुई। लोग बनाना मनाना बंद कर दिए। सिविल लाइन्स में 15 अगस्त सब जनवरी मनता था। मित्रों, सारे नॉर्थ ईस्ट के प्रत्येक विद्यालय में अब 15 अगस्त सब जनवरी मनता, हजारों हजारों लोग बाहर सड़क पर आते हैं। अपने को नहीं लगता ये परिवर्तन है? हम सेना के बल पर नॉर्थ ईस्ट को नहीं रख सकते, किसी भी क्षेत्र को नहीं रखते, उनके भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। और इससे सुरक्षा एक और है, भावना भी साथ में, इस देश अधिक सुरक्षितता की ओर बढ़ा है। और कोई भी बड़ा आतंकवादी हमला, अलग हमला हाथ में रहना मुश्किल काम, कब कौन कहां आक्रमण कर देगा, कहां बम फोड़ देगा, कहना कठिन है। 35 करोड़ का देश है, लेकिन 5 साल में कोई बड़ा आक्रमण ऐसा हो गया वो देश के अंदर, ऐसा तो नहीं देता है। 100 से ज्यादा मॉड्यूल तो ऐसे हैं जो पकड़े गए, उनको बिल्कुल कहते हैं निप इन द बर्ड, उनको पकड़ा गया, उनको दबाया गया, खत्म किया गया। उनको जो नक्सलाइट का मूवमेंट था वो सिमट करके छोटे से क्षेत्र में अब आ गया। 161 जिले नक्सलाइट से प्रभावित थे, अब वो 30-35 जिले हैं, लेकिन बहुत सघनता है, वो 3-4 जिले बचे केवल। वो दंतेवाड़ा है, वो सुकमा है, बस्तर का कुछ हिस्सा है, हम जानते हैं। कश्मीर के उग्रवादियों और अलगाववादियों के साथ कौन सी भाषा में बात होनी चाहिए थी? कहां से पैसा लाए इतना आप लोग? अब देश तोड़ने की बात भी करेंगे और आराम से किसी भी माध्यम से पैसा भी इकट्ठा करेंगे, ये नहीं चलेगा। जेल में है 135 करोड़ लोगों की सरकार है, जिसके पास 25 लाख की सेना और पैरामिलिट्री है, सारे साथ 50 उग्रवादी लोग देश को हिलाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। उग्रवादियों को भी लगना चाहिए देश बहुत बड़ा ताकतवर देश है, और इसे सुरक्षा की दृष्टि से देश ने कई कदम उठाए हैं, उनकी व्यापक चर्चा करना यहां उचित नहीं है, आप लोग जानते हैं। एक बड़ी बात है और वो है विकास की दृष्टि। विकास तो हर सरकार करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, अंतर इतना हो सकता है। कोई भी सरकार ऐसी नहीं आती जो विकास का काम न करे, सब करते हैं, लेकिन विकास की दृष्टि होती। जो लोग चुन करके आते हैं वे अपने मतदाता का ही ख्याल करें केवल, जिसने उनको वोट दे करके चुन करके भेजा, ये गलत बात है। चुन करके भेजने के लिए तो 31% लोगों ने इनको वोट दिया था, बाकी जो 69% था वो कौन है? वो भी अपना है। जिसने मत दिया उसका ही विकास करना, उसके लिए गली, उसके लिए सड़क, उसके लिए बिजली, उसके लिए पानी, उसके लिए विद्यालय, उसके लिए बैंक, ये दृष्टि गलत। हाँ ठीक है, चुनाव के पहले दो हिस्से थे, एक हिस्से ने आपको वोट दिया, एक हिस्से ने किसी और को दिया होगा, लेकिन सरकार बनने के बाद आप दृष्टि सम होनी चाहिए, आपके मन में भेद नहीं होना चाहिए, आपका मन ये डिविजन नहीं चाहिए, ये हमारे मतदाता है गलत, ये आपकी प्रजा है। मतदाता खत्म हो गया, वोट डालने के बाद मतदाता खत्म, जो सरकार में आया, जो सत्ता में आया, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री है, कोई भी पोर्टफोलियो उसके पास है, उसको अपने पूरे क्षेत्र के लोगों का ध्यान करना। ये देश गलत दिशा में चला गया था, दुर्भाग्य से देश के हमारे सुनामधन्य प्रधानमंत्री कहा करते थे देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, ये गलत है। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार उन लोगों का है जिनको कुछ भी नहीं मिला, वंचित हो सकता है, माइनॉरिटी के लोग होंगे, उनको मिलेगा। इस देश का प्रधानमंत्री कैसे कह सकता है इस बात को? देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, गलत बात है। ये बात देश के विभाजन की ओर ले जाती है। ऐसी एक चर्चा हो रही थी, काफी बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, मुसलमान ही थे सभी लोग, उन्होंने कहा आपका क्या मत है, अगर मुसलमान की बस्ती में सड़क बनती है, मुसलमान की बस्ती में हैंडपंप लगता है, मुसलमान की बस्ती में विद्यालय खुलता है, मैंने गलत बात है, हम इससे सहमत नहीं है। विद्यालय वहां खोले जहां इसकी जरूरत है, हैंडपंप वहां लगे जहां इसकी आवश्यकता है, बैंक वहां खोले जहां आवश्यकता है,
बच्चों को स्कॉलरशिप उसको मिले जिसको जरूरत है, केवल एक विशेष संप्रदाय का है उसको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, गलत बात है। हम विभाजन की ओर बढ़ जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। मित्रों, देश बहुत दूर चला गया है। संविधान सभा की जो कमेटी फॉर माइनॉरिटीज अफेयर्स, उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, फिर से प्रश्न खड़ा हो गया आरक्षण होना चाहिए, सांप्रदायिक आधार पर चाहिए। जैसा चला आ रहा था अंग्रेजों के माध्यम से मुस्लिम लीग ने आरक्षण प्राप्त किया था इस देश में, हमको फिर से आरक्षण चाहिए, ऐसा कुछ मुस्लिम सदस्यों ने संविधान सभा में मांग की। कई दिन बहस चली, अंतिम भाषण वल्लभ भाई का था। मित्रों, आप लोग पढ़िए उसको डिटेल में। सबका सुनने के बाद, सबको समझाने के बाद भी कुछ लोग नहीं माने। वल्लभ भाई ने व्यक्तिगत वार्ता सबसे की, कुछ लोग नहीं माने, वो आरक्षण के मांग पर डटे रहे। वल्लभ भाई भाषण देने के लिए खड़े हुए। वल्लभ भाई बोलते हैं, जो समाज इतने बड़े देश का बंटवारा कर देता है वो माइनॉरिटी है। अब मैं बताई दे रहा हूं साफ साफ शब्दों में, जिन लोगों को ऐसा लगता है यहां इस देश में रहना उनको संभव नहीं है, ये दुनिया में कहीं भी चले जाए, शांति से भगवान के नाम पर हमको जीने दें। अब इस एक वाक्य के बाद आरक्षण की मांग संविधान सभा में किसी ने नहीं उठाई। बट दिस वॉज द फाइनल वर्ड, भगवान के नाम पर हमको जीने दीजिए अब शांति से, जहां तुमको अच्छा लगता है चले जाओ, आरक्षण नहीं होगा। संविधान ने बहुत कड़ी भाषा में मना किया था, अब इस देश में सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण अब नहीं होगा। 40-50 वर्ष बीता, हर पॉलिटिकल पार्टी किसने 5% दिया, किसने 10% दिया, कोई 15% की पड़ता है। हालांकि न्यायालय ने उसको रोक के रखा, न्यायालय ने उसको मिलने नहीं दिया, किसी हाई कोर्ट ने रोका, कभी सुप्रीम कोर्ट ने रोका। देखिए देश कौन सी दिशा में जा रहा है, हो सकता है कोई न्यायाधीश ऐसे आ जाए आरक्षण लागू कर दे। समझने का क्या हुआ, देश का 70 साल का अनुभव का क्या हुआ, जो 1905 में जो कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हुई, अपीजमेंट की राजनीति शुरू हुई, उसने फिर अपना फन उठाना शुरू कर दिया, ये गलत है। जैसा मोनिका जी ने कहा, सबसे ज्यादा गैस उन्हीं लोगों को मिली है बिना आरक्षण के मिली है, सबसे ज्यादा मकान उन्हीं को मिल रहे हैं बिना आरक्षण के मिल रहे हैं, बिजली उन्हीं गांव में पहुंच रही है जो वंचित है, उपेक्षित है, उसे बड़ी संख्या में मुसलमान भी है। लेकिन इस कारण से नहीं कि आपका मुसलमान का गांव है आपको हम बिजली देंगे, या आपका मुसलमान का गांव है उसको नहीं देंगे, ये नहीं। आपने वोट हमको नहीं दिया आपको, ये गलत बात है। और इसे विकास की एक दृष्टि होनी चाहिए, उस दृष्टि में संसाधनों पर पहला अधिकार उसका जो वंचित है, उपेक्षित है, वो किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी वर्ग का, किसी भाषा का, किसी प्रांत का होगा, उसके घर प्रकाश की किरण पहुंचनी चाहिए। उसने वोट उसने नहीं दिया होगा कोई दिक्कत नहीं, आप भी नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा धर्म है, हम यहां पर बैठे हैं, हमको लगता है अभावग्रस्त है। बंधुओं, एक विकास की उचित दृष्टि होना चाहिए। एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। 2014 के बाद देश की राजनीति बदल गई, राजनीतिक लोगों का सोच बदल गया, यह बड़ा गुणात्मक परिवर्तन है। जो लोग सोचते थे इनके बिना हम जीत ही नहीं पाएंगे, और वे भी लोग सोचते थे, एक समूह सोचता था हम ही जिताएंगे, हमारे बिना कोई सत्ता में आ नहीं सकता, जो पॉलिटिकल वीटो जो कुछ लोग अपने हाथ में लेकर के रखते थे वो खत्म हो गया। साफ साफ बताऊं तो इस देश के अंदर 50 के बाद धीरे धीरे 20-25 वर्ष के बाद इस देश में एक पॉलिटिकल वीटो खड़ा हो गया कम्युनल लोगों के हाथ में। वे कहते थे हम जिताएंगे देश को, हम बनाएंगे सरकार, जो हम कहेंगे वो सरकार बनेगी। नहीं, बदल गया दृश्य। और एंथोनी साहब को जब पूछा गया क्यों हार गए, तो एक एंथोनी साहब ने कहा, अपनी नीतियों के कारण से हार गए, हमारी नीतियों के कारण से बहुसंख्यक समाज हमसे नाराज हो गया, अब नहीं चलेंगे उस नीतियों पर, अब नहीं चलेंगे, पक्का मान लीजिए। उन्होंने हिंदू समाज की उपेक्षा करी, जो मूल समाज था इस देश का, मौलिक समाज था,
जो इस देश के राष्ट्र तत्व को हजारों वर्षों से सहेज कर संभाल करके ला रहा था, जो आजादी की लड़ाई लड़ा था, उसकी उपेक्षा कर दी और कुछ लोगों के हित साधन में लग गए। आप देख रहे हैं दृश्य बदल गया। सीताराम येचुरी ये कलश यात्रा में जा रहे हैं। ममता जी पंडाल जाकर के दर्शन कर रही हैं और 35 करोड़ रुपया दुर्गा पंडाल को दे रही हैं। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सबसे बड़ा मंदिर हम बनाएंगे दुनिया का, इस प्रतिस्पर्धा में आ गए। कुछ लोग गंगा जल का आचमन कर रहे, रुद्राक्ष की माला गले में लगा करके, कुछ लोग अपना गोत्र बताने में लग गए। हालांकि उनके दादा तो पारसी थे, पारसी लोगों का अलग गोत्र होता होगा, हमको इससे आपत्ति नहीं, ठीक है जो गोत्र उनका है। लेकिन वो सिद्ध करने लगे, नहीं हम ब्राह्मण है, हम हिंदू है। ऊपर जनेऊ पहनने लगे, यज्ञोपवीत पहनने लगे, मंच अलग प्रकार से सजने लगा। पहले मंच के लिए कुछ लोग जरूरी होते थे, वो मंच पर बिठाने जाते, अब नहीं नहीं आप नीचे बैठे, नीचे आ जाए, उतार दिया गया। गुलाम नबी साहब कहते हैं हमको कोई भाषण के लिए बुलाता नहीं, इसमें तो हमारी कोई भूमिका नहीं है, आपको कोई दूसरे लोग तो बुलाने वाले नहीं थे, आपकी पार्टी के लोग आपको बुलाते थे, आपकी पार्टी के लोग नहीं बुलाते, नहीं नहीं हमारी पार्टी के लोग हमारा चेहरा नहीं रखना चाहते मंच पर, इसमें हम क्या कर सकते। मेरा कहने का भाव आप समझिए कि देश एक गुणात्मक राजनीति को ट्रांसफर हो रहा है। जो कम्युनल राजनीति शुरू हो गई थी, अपीजमेंट की राजनीति शुरू हो गई थी, कुछ लोगों के हाथ में पॉलिटिकल वीटो आ गया तो चला गया। अगर 10 साल और राजनीति इसी दिशा में चल जाए, मैं पक्का बता रहा हूं देश ठीक राजनीति को चल देगा। एक 135 करोड़ लोगों को समान मानिए, हम मुसलमान का विकास करेंगे क्या, हिंदू का विकास करेंगे, ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। क्या ये ठीक है कि देश के हिंदू तीर्थों की उपेक्षा ही रखी जाए? अरे जो तीर्थ इस देश को हजारों साल से एक बनाए हुए हैं, वो तीर्थ आप कल्पना करिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का आदमी क्यों जाता है हजारों साल से और लाखों की संख्या में? अपने देश की सीमाओं को देखने के लिए जाता है, मेरा देश यहां तक है, मेरा मंदिर यहां तक है, मेरा बद्री विशाल यहां तक है। और ऐसा ये जो अपने देश की सीमाओं को देखने का भाव था, हमारे देश की परंपरा ने उसको आध्यात्मिक स्वरूप दिया था। वो भजन कीर्तन करता हुआ, वो कथा सुनता हुआ बद्रीनाथ जाता है। बद्रीनाथ माने क्या है, ये हमारा ये बॉर्डर है, सीमा है। केदारनाथ क्या है, ये हमारा बॉर्डर है, हमारी सीमा है। रामेश्वरम क्या है, हमारी सीमा है। द्वारिका क्या है, हमारी सीमा है। जगन्नाथपुरी क्या है, हमारी सीमा है। इन सीमाओं की यात्रा हम हजारों साल से कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग हैं जो इनको सीमा की सुरक्षा नहीं मानते, इनको सीमा दर्शन नहीं मानते। हजारों साल से चली आ रही देश की एकता वो नहीं मानते, वो इसको मानते हैं ये सांप्रदायिक है। प्रभु उनकी बुद्धि को विवेक दे दे, ये आध्यात्मिक है और देश की एकता को बनाए रखने का विश्व का अभिनव प्रयोग है जो दुनिया कर नहीं सकी आज तक, भारत ने किया। चाहे यूएसएसआर हो, अगर यूएसएसआर ने अपने लिथुआनिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, लेटविया, इन 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 क्षेत्रों में अपने तीर्थ बनाए होते और यूएसएसआर के लोग इन तीर्थों में घूम रहे होते, 18 देश अलग नहीं होते। ये जो भक्ति का अभाव है पैदा हुआ है इस देश में, इसका एक पॉलिटिकल विजन भी है, आध्यात्मिक तो है ही है। हमने राजनीतिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से इस सारे देश को कैसे एक बना करके रखा है। 2014 के बाद इनकी देखभाल शुरू हुई, हजारों साल के बाद कुंभ एक दृष्टि देता है
कुंभ का मेला सारे दुनिया को एक दृष्टि देता, हजारों लोग दुनिया से आए देखने के लिए, क्या है ये। 25 करोड़ लोग भिन्न भिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न बोलियों, भिन्न प्रकार का वस्त्र, भिन्न प्रकार की परंपरा, भिन्न प्रकार के संप्रदाय, कितना भक्ति भाव से गंगा में एक डुबकी लगाने के लिए आते हैं, पास फिर चले जाते हैं। वो देख रहे हैं कि भक्ति का भाव, अध्यात्म का भाव सारे भेदों को कैसे करके एक राष्ट्र को बनाता है। मरे हैं जो है उसकी उपेक्षा करते लोग। बंधुओं, कुंभ के दर्शन ने एक नया आयाम दुनिया को दिया है। ऐसे भक्ति के क्षेत्र, श्रद्धा के क्षेत्र अपने देश में खड़े कर देने से राष्ट्र का एकात्म बोध मजबूत होता है, देश एक होकर के खड़ा होता है। तो हिंदी भाषी को तमिल भाषी नहीं लगता, तमिल भाषी और कन्नड़ भाषी वहां झगड़ा करते हैं कावेरी के जल पर, या एक साथ स्नान करते हैं गंगा के जल में। ये विविधता है एकता के साथ। यूरोप, अमेरिका, चाहे कनाडा, चाहे अफ्रीका, इस विविधता की एकता के मौलिक मर्म को समझने के लिए कुंभ में आया था। वे रिसर्च पेपर दे सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ ऐसा कुंभ निर्माण नहीं कर सकते। ये दृष्टि हम लोगों ने अब दी उनको। मित्रों, आनंद की बात है, देश के श्रद्धा के स्थान रिवाइव हो। अगर वे टूट गए, वे कमजोर हो गए किसी कारण से, वह अश्रद्धा हो गई, तो पक्का मानिए देश की राष्ट्रीय एकता को धक्का लगेगा। संविधान, सेना, सड़क, पुलिस, रेल की लाइन अगर देश को एक रख सकती होती तो यूएसएसआर हमसे ज्यादा सशक्त होता। उन्होंने रेल अच्छी बिछाई थी, सेना मजबूत थी, लेकिन देश बिखर गया। अगर ये एक रखता होता तो आयरलैंड क्यों यूके से अलग हो रहा है? आयरिश लोगों के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन एक आत्म बोध नहीं है, भक्ति नहीं है, भूमि के प्रति श्रद्धा नहीं है। 2014 के बाद ऐसे सैकड़ों स्थानों को राष्ट्र की आध्यात्मिक एकता के प्रकाश में पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसको हम लोग ध्यान में रखें। मेरा अंत में इतना ही कहना है, बोलने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग क्या इन बातों को इस परिप्रेक्ष्य में समझकर नीचे तक ले जा सकता है? अगर ले जाएगा तो उसका कर्तव्य पूरा होगा, और न ले जा सका तो देश की दिशा को ठीक दिशा मिलने में संकट खड़ा होगा। नमस्कार।